साइंस चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट डे हमने आपको बताया किस तरह से फाइबर से फैब्रिक बनता है, और ये फाइबर दो प्रकार का होता है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कॉटन, सेल, ऊन, जूट, ये सब नेचुरल फाइबर है, जिसके बारे में लास्ट डे हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन और भी रेयॉन, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो आज हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्चुअली प्लास्टिक, ये एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, क्योंकि मेड अप ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल से बना होता है, और ये केमिकल मेनली पेट्रोलियम से मिलता है, यानी पेट्रो प्रोडक्ट केमिकल का ये बना होता है। सिंथेटिक क्लॉथ एक विशेषता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है, और इसमें रिंकल नहीं होते, नॉट रिंकल इज ही, रोआ नहीं निकलता है, ये सब इसकी विशेषता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। ड्राई इजली, आसानी से सूख जाता है, क्यों? इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। चीप होता है, सस्ता होता है, लाइट मीन्स हल्का होता है, तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स है। ईजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना बड़ा आसान है, बहुत इजीली वाश कर सकते हैं, इजीली ड्राई कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ एयर टू पास, और इसके थ्रू एयर जो है पास नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एयर का एयर स्पेस नहीं होता है, और इसी को कहते हैं कि डू नॉट ब्रीथ, यानी सांस नहीं लेता है, मतलब ये एयर पास नहीं करता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन या स्वीट एब्जॉर्प्शन, पसीना को ये नहीं सूख पाता है, नो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तो इन दो बातों से के कारण जो है ये सूटेबल नहीं होता है और कंफर्टेबल नहीं होता है। हम लोग के लिए ये कभी कभी परेशानी पैदा करता है, इरिटेशन फील होता है, तो ये सूटेबल नहीं होता है इसका कपड़ा हम लोग के लिए, कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन स्ट्रॉन्गर होता है और ड्यूरेबल होता है, मजबूत होता है, लंबा समय चलता है, इसीलिए इसको मिक्स किया जाता है, सो ब्लेंडेड विथ कॉटन एंड अदर नेचुरल फाइबर, दूसरे नेचुरल फाइबर के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है, जिससे जो कपड़ा बनता है, दस मेड क्लॉथ आर स्ट्रॉन्गर, ड्यूरेबल एज वेल एज कम्फर्टेबल। नेचुरल फाइबर से जो कपड़ा बनता है वो कम्फर्टेबल होता है, बट स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, और सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़ा बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है लेकिन कम्फर्टेबल नहीं होता है। लेकिन दोनों को ब्लेंड कर करके जो कपड़ा बनता है वो स्ट्रॉन्गर भी होता है और कम्फर्टेबल भी होता है। तो इस तरह से हम लोग नेचुरल और सिंथेटिक दोनों फाइबर के बारे में जाने, और इस तरह से ये लेसन कम्प्लीट हो गया। इट्स ओके।